रुक करते हैं प्रदेश की ओर। भाजपा पत्र बम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस ने रैली निकालकर उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। ब्लॉक कांग्रेस ने इस दौरान कोतवाली बाजार से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद फरोख्त में जिला कांगड़ा से संबंधित एक व्यक्ति का नाम आया है। दवाई माफिया को संरक्षण सरकार प्रदान कर रही है। भाजपा के पत्र बम को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि जिस पर आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा पत्र बम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस ने रैली निकालकर डीसी कांगड़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ब्लॉक कांग्रेस ने इस दौरान कोतवाली बाजार से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद फरोख्त में जिला कांगड़ा से संबंधित एक व्यक्ति का नाम आया है। दवाई माफिया को सरकार संरक्षण प्रदान कर रही है। भाजपा के पत्र बम को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि जिस पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाई जानी चाहिए। यूथ कांग्रेस को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि युवा संगठन पर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक प्रदेश में यूथ कांग्रेस और NSUI को स्थायी अध्यक्ष नहीं मिले हैं। धर्मशाला में यूथ कांग्रेस की आयोजित बैठक के बारे में सुधीर ने कहा कि उन्हें इस बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है। इस संबंध में उन्होंने सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की है। उपचुनाव को लेकर सुधीर ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं तथा चुनाव की घोषणा के साथ आप देखेंगे कि कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ मैदान में उतरेगी। देखिए, कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीते दिनों उन्हीं के कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री रविंदर रवि जी जिनका नाम उसमें लिया जा रहा है, एक संगीन आरोप वर्तमान सरकार के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो सवाल उठे हैं वो चिंताजनक हैं। और सरकार बजाय इसके कि उन आरोपों की जाँच करे, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग आज यहाँ पर जो DC कार्यालय है उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सारे मामले की जांच जो है वो CBI द्वारा करवाई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो। अगर प्रदेश सरकार के ही लोग उसमें संलिप्त होंगे तो प्रदेश सरकार की जो एजेंसियाँ हैं उनसे हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। आज इस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अंदर दवाइयों और अन्य चीज़ों की खरीदो फरोख्त हो रही है, कांगड़ा के ही एक व्यक्ति का नाम आया है जो माफिया के रूप में जो है पूरे विभाग के ऊपर जिसने कब्जा किया हुआ है, दवाइयां जो हैं वो ठीक क्वालिटी की मरीजों को नहीं मिल रही हैं। आज जो है सरकारी अस्पतालों के अंदर ही लोगों ने निजी दुकानें अपने पैसों से बना करके खोल दी और सरकारी दवाइयों की दुकानें जो हैं उन तक लोग नहीं जाते, तो ये किसका संरक्षण है? वर्तमान सरकार का संरक्षण है। इन सभी मामलों की जांच हम लोग चाहते हैं।